भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह ने बिहार के काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पवन सिंह ने ये घोषणा आसनसोल सीट पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने के बाद आया है। सवाल है कि पवन सिंह काराकाट में किसका खेल खराब करेंगे। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह ने बिहार के काराकाट सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर इस बात की घोषणा कर दी। पवन सिंह ने लिखा है, माता गुरुतरा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैं अपनी माँ से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। पवन सिंह ने काराकाट सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान बीजेपी की 10वीं लिस्ट सामने आने के बाद की, जिस लिस्ट में पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से बीजेपी ने एसएस अहलूवालिया के नाम का ऐलान किया है। आपको बताएं कि बीजेपी ने पहले आसनसोल सीट पर पवन सिंह को ही उम्मीदवार बनाया था, लेकिन किसी कारणवश पवन सिंह ने आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। कयासबाजी ये थी कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब सवाल है कि आरा के रहने वाले हैं और आरा से ही टिकट चाहने वाले पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया, तो इसको समझने के लिए राजनीतिक हालात और काराकाट सीट पर वोटों के समीकरण को समझना जरूरी है। एक तो काराकाट आरा से बिल्कुल सटा है, दूसरा काराकाट सीट पर वोटों का सामाजिक समीकरण पवन सिंह को सूट करता है, क्योंकि काराकाट में सबसे ज्यादा कुशवाहा जाति के वोटर हैं, दूसरे नंबर पर यादव जाति के वोटर हैं, तीसरे नंबर पर राजपूत वोटर हैं। काराकाट सीट एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और इंडिया अलायंस में सीपीआईएमएल के पास है। यहां मुख्य मुकाबला आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा और सीपीआईएमएल के राजा राम सिंह के बीच है। पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद काराकाट की लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि एनडीए और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार कुशवाहा जाति के हैं। उपेंद्र कुशवाहा का संबंध कुशवाहा समाज से है और राजा राम सिंह भी कुशवाहा जाति से आते हैं, मतलब इन दोनों के बीच लवकुश वोटों का बंटवारा संभव है, जबकि अब तक इस सीट पर ना तो कोई मजबूत राजपूत कैंडिडेट है और ना ही यादव। खुद पवन सिंह की फैन फॉलोइंग भोजपुरी बेल्ट के युवाओं में बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि सीधे सीधे बीजेपी और आरजेडी से टकराने के बजाय पवन सिंह ने काराकाट का चुनाव किया। लेकिन जनता का आशीर्वाद कितना मिल पाता है, ये 4 जून को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो ये तो आपने सुन ली खबर कि पवन सिंह काराकाट के चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर काराकाट को ही क्यों चुना। पवन सिंह ने 2014 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद के चुनाव में पवन सिंह ने बीजेपी के लिए खूब प्रचार प्रसार किया। पवन सिंह आरा से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, जो उनकी गृह भूमि है। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार बना दिया। पवन सिंह ने किसी कारणवश आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन ये भी जाहिर कर दिया कि वो चुनाव तो जरूर लड़ेंगे। माना जा रहा है कि पवन सिंह आरा और बलिया में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। पवन सिंह को उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें किसी और सीट से जरूर चुनाव लड़वाएगी, लेकिन बीजेपी की 10वीं लिस्ट में बलिया से नीरज शेखर और आसनसोल से एसएस अहलूवालिया के नाम का ऐलान हो गया है। यानी अब पवन सिंह के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन पवन सिंह बीजेपी और आरजेडी से टकराहट भी नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि पवन सिंह ने आरा से सटे काराकाट सीट का चुनाव कर दिया। काराकाट सीट एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के पास रखी गई है, जबकि इंडिया अलायंस में काराकाट की सीट माले के खाते में गई है। काराकाट में सबसे ज्यादा कुशवाहा वोटर्स है, उसके बाद यादव और फिर राजपूत वोटर्स है। अब तक काराकाट सीट पर कुशवाहा जाति के उम्मीदवार की जीत होती रही है, लेकिन इस बार दोनों ही गठबंधनों ने कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, यानी कुशवाहा वोटों के बटने की गुंजाइश ज्यादा है। यही वजह है कि पवन सिंह ने काराकाट सीट का चुनाव कर लिया। हालांकि काराकाट की जनता किसे चुनती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर मतदाताओं की संख्या की अगर हम बात करें, 18,72,409 पुरुष मतदाता हैं और 97,428 महिला वोटर्स हैं। ट्रांसजेंडर 68 और लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा
किस जाति के मतदाता हैं वो भी बता देते हैं। कुशवाहा जाति के मतदाता सबसे ज्यादा हैं और उसके बाद यादव हैं, तीसरे नंबर पर राजपूत जाति।